हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा वीडियो है अबाउट एचपी मैप। इसमें हम कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ थोड़े से छोटे छोटे कंसेप्ट समझने वाले हैं, जैसे कि एचपी के मैप के बारे में। सो मैं आपको पहले नोट से पढ़ाऊंगी, बुक से भी पढ़ाऊंगी। सो ओवरव्यू के लिए पहले तो है, नोट से नहीं बुक से स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास ये बुक है जिसके एंड में जो है, ये वाली बुक है, इसके एंड में जो है एचपी का मैप दिया है। और मेरे पास कोई सेपरेट मैप तो अवेलेबल है नहीं, बहुत बड़े वाला मैप भी नहीं है मेरे पास, तो मैं इसी को एक तरह से एटलस मान के जो है अब चीज़ों को पढ़ती हूँ, समझती हूँ। तो यहाँ भी उसी तरह से आपको डिस्क्राइब करना अभी स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले ये तो हमें पता ही है, हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, राइट। तो जो जो जिस जिस जगह से है उनको वहाँ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सबको ज़्यादा ही पता होता है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉटम से, राइट। बॉटम में हमारे सिरमौर आता है, जहाँ से हमें पता है यमुना नदी बहती है। बॉटम में सिरमौर आता है, सिरमौर के साथ यमुना और शिमला की बाउंड्रीज लगती हैं। एंड यस, वन मोर थिंग, हमें ना एक चीज़ पढ़नी होती है, ये अभी लास्ट टाइम आई थिंक हाई कोर्ट क्लर्क के पेपर में क्वेश्चन आया था कि जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से जो है अदर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को टच नहीं करता है। वहाँ पे ऑप्शंस थे चार, मुझे ऑप्शन से याद नहीं है, बट आई थिंक उसका आंसर कुल्लू था उसमें ऑप्शन। तो इस तरह से आता है। तो हम अब जब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितनी बाउंड्रीज, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्रीज, अपना एरिया जो है वो शेयर करता है। ये सिरमौर है छोटा सा, सिरमौर के साथ इधर को शिमला है, ये सोलन है। आई थिंक ये चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी क्लियरली, अदरवाइज मैं प्रोनाउंस भी कर ही रही हूँ। ये सिरमौर है, शिमला, सोलन, फिर सोलन के साथ ऊपर को बिलासपुर है, यहीं पे मंडी है, सोलन मंडी को भी टच करता है, सोलन बिलासपुर को टच करता है, सोलन शिमला को टच करता है। ये दो हो गए, अब शिमला करते हैं। शिमला जो है सोलन सिरमौर को तो करता ही है, किन्नौर, ये किन्नौर है, राइट। ये शिमला है, शिमला किन्नौर की बाउंड्री टच करता है, ये कुल्लू है, कुल्लू की करता है, मंडी की करता है, राइट। बिलासपुर की बाउंड्री शिमला के साथ नहीं लगती है। ये चीज़ प्रैक्टिकली भी याद रखिएगा, शिमला से अगर आपको बिलासपुर जाना है बीच में दारला घाट आता है, मतलब सोलन होके जाते हैं। तो इस चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता था मुझे भी स्टार्टिंग में, बट अब मैंने ये चीज़ समझ ली है कि शिमला से अगर बिलासपुर जाना है दारला घाट हो के जाते हैं तो बिलासपुर और शिमला की बाउंड्रीज टच नहीं करती हैं, राइट। देन क्योंकि ये कन्फ्यूजन रहता है मैप्स में भी। हाँ, आपके उस बड़े लेवल का मैप अवेलेबल होगा वो बात अलग है, उसमें तो क्लियरली छोटी छोटी चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब्ड होंगी, बट ये जस्ट एक ओवरव्यू टाइप है। सो हमने शिमला का कर लिया, मंडी चलते हैं। मंडी की बाउंड्री लगती है सोलन से, शिमला से, बिलासपुर से, हमीरपुर से, कांगड़ा से, कुल्लू से। सो ये मंडी है, ये कुल्लू है, ये लाहौल स्पीति है, ये छोटा सा बिलासपुर है, क्योंकि हमें पता है बिलासपुर के लेफ्ट साइड को जो है पंजाब पड़ जाता है। ये हमीरपुर है, ये ऊना है येलो कलर का, ये कांगड़ा है, ये चंबा है। सो बिलासपुर की बाउंड्रीज जो है वो मंडी से लगती है, सोलन से लगती है, हमीरपुर से लगती है, ऊना से लगती है। ऊना की बात करें सिर्फ बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा से लगती हैं। हमीरपुर की बात करें कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, ऊना से लगती हैं। कांगड़ा का हम बाद में करते हैं, मंडी की तो हमने कर लिया। देन कुल्लू की, इधर लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, चंबा, कांगड़ा। लाहौल स्पीति की चंबा से लगती है, किन्नौर से लगती है, कुल्लू से लगती है, कांगड़ा से लगती है। और चंबा की जो है वो कांगड़ा और लाहौल स्पीति से लगती है। सो अगर आपके पास थोड़े से, मैं आपको एक तरह से थोड़ा जूम करके बता देती हूँ, ये हमारा हिमाचल का मैप है। सो आई होप अब आपको अच्छे से अवेलेबल हो। अगर आपके पास मैप नहीं है, बुक भी नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का। सो ये मैप अगर आपके माइंड में होगा ना, तो आप पेपर में बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा इमेजिन करके कि यहाँ यहाँ कौन कौन सी बाउंड्री से टच होता है। सो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं, तो नोट्स में किस तरह से बनाया है, यहाँ पे आपको अच्छे से अपीयर होगा। हमारे पास 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो 12 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो है शो किए गए हैं। मुझे आपको ये नहीं बताना, सिर्फ जो है वो माउंटेन रेंजेस का थोड़ा सा बताना है। यहाँ हम पढ़ते हैं दागनी धार, ये एग्जैक्ट यहाँ नहीं आती, बट ये चंबा के ऊपर वाले एरिया में आती है। हमें पता है कि सारा जम्मू कश्मीर है। सो चंबा को जम्मू कश्मीर यानी भद्रवाह कश्मीर से अलग करता है दागनी धार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आ चुका है, तो मैं इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज ये माउंटेन्स में भी कवर होगा। बट याद रखिएगा, दागनी धार है चंबा में, ये चंबा है, दागनी धार है चंबा में, और ये भद्रवाह कश्मीर को चंबा से अलग करता है, बस मुझे यही बताना है, ठीक है। हाथी धार जो है, और दूसरा हाथी धार, ये है चंबा में, ये भी चंबा में ही है, एग्जैक्ट चंबा में नहीं होता, थोड़ा सा कांगड़ा में होता है, थोड़ा सा चंबा में होता है, बट ज़्यादा एरिया जिस जहाँ पे आ जाता है उसी को हम काउंट करते हैं, ज़्यादा एरिया चंबा में है। तो इसका ये रहता है कि हाथीधार जो है वो चंबा और कांगड़ा की बाउंड्री बनाती है, एक ये क्वेश्चन आता है, तो मैंने इसलिए आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी समझा है ये। देन हम दूसरा करते हैं मनी महेश, मनी महेश जो है वो हम पढ़ते हैं कि चंबा में है,
तो मनी महेश जो है वो भरमौर के पास में जो है वो स्थित है, वहाँ पे लोकेटेड है। एक मुझे ये बताना है और धौलाधार का मुझे ये बताना है कि जो धौलाधार का निचला हिस्सा है ये कुल्लू है, ये मंडी है। धौलाधार का निचला हिस्सा कुल्लू और मंडी को अलग अलग करता है। सो ये चार चीज़ें मुझे सिर्फ इसमें बतानी है और बाकी तो आपने मैप से कर ही लिया कौन सी बाउंड्री किसको टच करती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बट हाँ, जो छोटे पेपर है उनमें इंपॉर्टेंट है, जो HAS लेवल का अगर सोच रहे हैं तो उसमें इतना नहीं आता। और बस ये है, भद्रवाह कश्मीर को चंबा से अलग करती है दागनीधार, हाथीधार चंबा और कांगड़ा को अलग करती है, धौलाधार का निचला हिस्सा मंडी और कुल्लू में थोड़ी सी बाउंड्री बनाता है, और मनीमहेश भरमौर के पास स्थित है, भरमौर तहसील के पास स्थित है। सो मुझे सिर्फ वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड द सेम थिंग इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव दिस वीडियो थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोज हियर। क्योंकि मैं खुद प्रिपेयर कर रही हूँ, सो मुझे बहुत अच्छे से पता है कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कौन सी नहीं है। सो इतनी बात सिर्फ इतनी है कि आपको प्रिपेयर करते रहना है, आपको स्टडी बीच में छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, 10 दिन पढ़ते हो, 10 दिन नहीं पढ़ते हो, फिर 10 दिन पढ़ते हो, तो वो सारी प्रोग्रेस आपकी जीरो हो जाती है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप दिन में 6 घंटे भी पढ़ते हो, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। बट कंसिस्टेंट रहिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट रखिए और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उसे फॉलो कीजिए, एंड इट्स वेरी इजी टू क्लियर एन एग्जामिनेशन। बस कंसिस्टेंट रहना है, एग्जाम नहीं भी क्लियर होता है देन जस्ट बी पॉजिटिव, एंड दैट्स इट फॉर माय वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल, सी यू सून विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, बाय बाय।